आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं करती है और आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाना बंद कर दी है, आखिर आपकी गर्लफ्रेंड को अचानक क्या हुआ कि आपको जीवन साथी मान बैठी थी और अचानक बात करना बंद कर दी? आखिर आपकी गर्लफ्रेंड चाहती क्या है? सडनली इतना इन्वॉल्वमेंट था आप दोनों का और सडनली एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। आप 1000 मैसेज कर बैठे हो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, और आपका मैसेज का, कॉल का, यहाँ तक कि मैसेज भी सीन नहीं कर रही है। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसका चक्कर कहीं और चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसी और लड़की को पटा लिया है? ऐसा तो नहीं कि वो आपसे दूरियाँ बनाने लग गई है और आपसे बात करना नहीं चाहती है? बिल्कुल ऐसे थॉट्स कई बार सच भी होते हैं, इसीलिए आप किसी रिलेशन्स में हो ना, सवाल बहुत होंगे लेकिन आंसर आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने रिलेशनशिप में खुश भी हो ना खुश भी हो, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करना बंद कर दी है, लेकिन आप उसका आंसर ना जानते हुए भी आप उल्टा आप अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करने लगे हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद करने लग जाते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखना भी पसंद नहीं करते। रीज़न क्या है? एक छोटी छोटी बातें, एक छोटी छोटी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा काफ़ी गैप बना दिया है। कभी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने से पहले आप बैठ के बातें करो, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एक छोटी सी सॉरी बोलकर, खुशियां देकर, तो उस रिश्तों को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप अपने कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इतना घुस जाते हैं कि ब्रेकअप का भी सीन कई बार देखा गया है। तो रिलेशन को एक मर्यादा में ही लेकर रखना है। आप कितना प्यार करते हैं वो मैटर नहीं करता, कितना रिस्पेक्ट करते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं ना, तो वो बहुत मैटर करता। उस टाइम पे ब्रेकअप होता ही होता है। अगर आपका भी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहा है, आप सॉल्व ना करके आप गालियाँ दे रहे हो, सॉल्व ना करके आप उस ताने मार रहे हो, फ़ोन बंद कर रखे हो, ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल रखे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। कभी भी हर कहते हैं ना, घर का एक कहावत है कि बर्तन खटकते ही हैं, जहाँ बर्तन होते हैं उसी तरह रिलेशन भी होता है। रिलेशन में प्यार है, लड़ाई झगड़े होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप में 100% टाइम दो, इसीलिए मैं कहती हूँ, कुछ तो सोच के मैं कहती हूँ कि 100% आपको टाइम इसलिए देना होता है ताकि आप समझो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। आपकी एक छोटी छोटी भी नुकसान दे सकता है एक रिलेशनशिप में। आखिर आपके मन में सवाल आता होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर क्यों कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको क्यों नहीं वैल्यू दे रही है, आखिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर अचानक क्यों करने लगी। बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते ही होंगे। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप जो गर्लफ्रेंड उम्मीद करती है, जो गर्लफ्रेंड चाहती है, आप नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि आप इतना प्यार दे बढ़ते हो कि लड़कियों को घमंड हो जाता है, और जब घमंड हो जाता है फिर आपको इग्नोर करने लग जाएगी, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी, आपको देखना भी पसंद नहीं करेगी। आप होते कौन हो उसके जीवन में, आप उसके लिए कितना मायने रखते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिस रिश्ते में खुशियाँ ना हो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो रिश्तों को बचाने, आखिर एक हाथ से कहते हैं तालियाँ नहीं बजती। उसी तरह रिलेशन में अगर आप प्यार कर रहे हो, उधर से आपको प्यार नहीं मिल रहा, तो ये रिश्ता कब तक चलाओगे आप? आपके मन में भी एक दिन नेगेटिविटी आ जाएगा कि नहीं, इस रिश्तों को ख़त्म करते हैं। कई बार ऐसा हो गया है कि आप प्यार तो कर लेते हो, जल्दबाजी में कनेक्शन बना लेते हो,
क्योंकि हर किसी को सिंगल रहने की आदत नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि अगर तुरंत ब्रेकअप होता है तो तुरंत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने लग जाते हैं और बात करते करते कनेक्शन में आ जाते हैं या अचानक से आपके दिल को कोई पसंद सी आ जाती है। उस टाइम पे आप अपनी फीलिंग को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हो, कनेक्शन में आ जाते हो। बाद में चलकर आपको लगता है कि नहीं, वो तो मेरे से शादी ही नहीं करेगी या मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसे भी थॉट्स आते हैं मन में। कब आते हैं? जब उस रिश्तों में आप खुश नहीं हो, वो रिश्ते आप चलाना नहीं चाहते हो, उस रिश्तों को आप ख़त्म करना चाहते हो, तो ऐसे में थॉट्स आ सकते हैं। नेगेटिविटी आपके मन में आ सकता है अपने प्यार के लिए, क्योंकि जब आप बात करते हो तो एक्सक्यूज़ बना के फ़ोन काट दे रही है, जब आप उनके पास जाना चाहते हो तो वो मना कर रही है। आखिर क्या रीज़न है जो इतने इग्नोर कर रही है? आपको मन में होता ही होगा जाने का, इच्छा तो होता ही होगा। सच्चा प्यार को पाना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है और ईजी भी होता है, इसलिए क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है, आपको पता ही नहीं चलता। आप इतना ज़्यादा कनेक्शन में खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे ही नहीं सकती। चाहे आप उसे 2 साल बात ना करो, 10 साल ना करो, 6 महीने ना करो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सिवा उसके लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा सोच रखते हो ना तो ये डिलीट मारो, आज ही अपने मन से डिलीट मार दो, क्योंकि ऐसी सोच रखते हो ना वही लड़कियां आपको धोखा देके रफ चक्कर हो जाएंगे। यानी कि आप किसी से भी कनेक्शन बनाते हो ना तो ये मन में कभी मत रखो कि उसको कोई मिल नहीं सकते। यार हर लड़की को पता है कि एक ऐसा इंसान मेरे लिए बना है, भगवान बनाकर भेजा है, जो मुझे खिला सकता है, पिला सकता है। तो ऐसी थॉट्स आपके मन में नहीं रखना है। कोई भी रिलेशन हो ना उसको खूबसूरत बनाओ, और जब आप प्यार नहीं दोगे तो वो लड़की क्या करेगी? आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेगी, आपका कॉल उठाना बंद कर देगी। किसी और की तलाश में तभी लड़की निकलती है, तभी लड़की निकलती है जब उसको लगता है कि नहीं, आप उसके लिए परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि आपका रहना सहना उसको भाव नहीं देता है, उसको नहीं लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो लाइफ पार्टनर के अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से नशा कर रहे हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो या गुटखा पान खाते हो तो आज ही बंद करें। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो लड़कियां हो जाती है, भड़क जाती है, क्योंकि हर बात लड़कियां आपसे शेयर नहीं करेगी कि तुम ये छोड़ दो, तुम नशा क्यों करते हो, तुमको नशा करके क्या मिलता है, आखिर कुछ मिलता है क्या, नहीं बोलेगी ना वो आपको। लेकिन उसको लगता है यार ये तो सिगरेट पीता है, ये तो बहुत गंदा है, थर्ड क्लास का लड़का है, ये जीवन साथी कैसे हो सकता है, ये तो नशा करता है, रोज़ दारू पीता है, इसकी हैबिट कितनी गंदी है, ये तो जुआ खेलता है। अगर आप सट्टा जुआ भी खेलते हो ना वो भी नेगेटिविटी में आती है भैया, वो भी नेगेटिविटी में आती है। तो आज से ही ये सब जो बैड हैबिट है जिससे आप कनेक्टेड हो, एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये भी नोटिस करना पड़ता है, तभी तो लड़की आपको वैल्यू देगी। वैल्यू तभी देगी ना जब आप उसके बारे में सोचोगे, जब आप खुद के बारे में सोचोगे कि आप नशा कर रहे हो, एक लड़की भी रख रखे हो, वो उसके साथ घूम लेंगे, फिर लेंगे, दोस्त यारी भी देख लेंगे। नहीं, हमेशा कहा जाता है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ को रखिए, बेहतर होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये भी संभाल लूँ, ये भी संभाल लूँ, उसको भी देख लूँ, अपनी लाइफ भी देख लूँ, तो नहीं। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, फिर वो दूसरे लड़के की तलाश में। अगर आपसे बहुत बेहतर अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो लड़की ये मौका कभी नहीं छोड़ती है। तो आप अपने आप को 100% रखो। एक तो आपको रहन सहन में सुधार करनी है, दूसरा अगर बैड हैबिट है तो उसको त्यागो, ठीक है? और आप कोई भी ऐसी चीज़ें करते तो जाहिर सी बात है कि गर्लफ्रेंड तक का भनक नहीं लगना चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड को पता लगेगा वो रिश्ता ख़त्म ही कर देगी, चाहे आप सुंदर क्यों नहीं हो, क्योंकि सुंदरता कोई मायने नहीं रखता प्यार के सामने। और ब्यूटीफुल इज़ नॉट एवरीथिंग कहा गया है, और पैसे ही सब कुछ नहीं होते रिश्ते को निभाने के लिए। रिश्ते को निभाने के लिए दिल और दिमाग दो चीज़ें काफ़ी होता है, और ये दो चीज़ें हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड ब्लॉक ना करके अनब्लॉक करेगी
आपसे बात करने की कोशिश करेगी, आपको धोखा नहीं देगी। इसीलिए अपने रिश्तों को जितना हो सकता है बचाएं, खूबसूरत बनाएं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। निभाना तो सीखो कम से कम। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर बने रहें, फुल सपोर्ट करें।